Welcome to Vanik, the undisputed leader in providing coaching services to aspirants for various competitive examinations. Hello everyone, I'm here with Vanik team to discuss you today. The topic is over here, how to crack IBPS PO exam. ओके सो अगर देखा जाए तो आपका IBPS PO एग्ज़ाम के लिए सबसे पहला चीज़ जो ध्यान में आता है कि आपका उसका डेट कब है. मतलब अगर आप गिनती में चले तो आपके पास टोटल दिन ही कितने बच गए हैं जिस दिन के अंदर आपको टोटल प्रिपरेशन करना है. तो आप जितने लोग भी फॉर्म भर चुके हैं, मतलब अभी IBPS PO के एस्पिरेंट्स बन चुके हैं आप लोग, तो आपकी जानकारी के लिए ये बता देते हैं जो ऑफिशियल साइट्स में उसके सारे डिटेल्स अवेलेबल है आपके पास. And the dates that given to you all are 13th of October, 14th of October, 20th October and 21st of October. Okay, so ये चार दिन आपके जो है वो tentative dates दिए गए हैं जिस दिन में आपके prelims exam first होने वाले हैं. तो उसके बाद आपके जो mains exam के tentative date है तो वो है आपका 18th of November. तो चलिए मेंस एग्ज़ाम के बारे में तो बाद में बात करते हैं. तो आप लोग के दिमाग में जो सबसे पहला चीज़ चल रहा है वो है कि चलो भाई अब प्री एग्ज़ाम सबसे पहले कैसे क्रैक किया जाए. तो प्री एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए सबसे पहला चीज़ जो आपको चाहिए है वो ये है कि आपका पिछले सारे साल में कंसेक्यूटिव एटलीस्ट 2 to 3 ईयर्स में आपके एग्ज़ाम के क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, उस हिसाब से वैकेंसीज कितने आउट है और उस हिसाब से जो कट ऑफ है वो किस हिसाब से वैरी कर रहे हैं. क्योंकि आप लोगों को सबसे पहले जो काम करना है वो ये है कि माइंडसेट करके जाना है एटलीस्ट इतने क्वेश्चंस तो हमको बनाने ही हैं जो हमारे सारे के सारे जो है वो करेक्ट बने. तो चलिए हम लोग अपना एनालिसिस शुरू करते हैं 2017 से. तो 2017 में जो हम लोगों का ऑफिशियल नोटिफिकेशन में वैकेंसी आउट हुआ था उसका कुछ फिगर इस तरह से था 3562. मतलब अप्रॉक्सीमेटली हम ये बोल सकते हैं 3500 अराउंड का वैकेंसी था. शायद वो बाद में कुछ ज़्यादा और चेंज हुए थे पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जो आउट हुआ था वो 3500 का था अप्रॉक्सीमेटली. तो उस हिसाब से हम पहले देख लेते हैं कि जो आप प्री एग्ज़ाम देने वाले हो वो एग्ज़ाम का पैटर्न फॉलो कैसे होता है. तो वहाँ पे आपको कुल मिला के टाइम जो मिलता है वो 1 घंटे का होता है. वहाँ पे आपके सेशन जो होते हैं, जो सेक्शंस सारे होते हैं, वो आपका होता है एक इंग्लिश का सेक्शन, एक रीजनिंग का सेक्शन और एक मैथ्स का सेक्शन रहता है. तो ये तीनों सेक्शन में आपके मार्क्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, इंग्लिश के सेक्शन में आपको 30 क्वेश्चन आते हैं, मैथ्स के सेक्शन में 35 क्वेश्चन आते हैं और रीजनिंग के सेक्शन में भी आपको 35 क्वेश्चन अवेलेबल होते हैं. और ये सारे सेक्शंस के लिए आपको 20-20 मिनट के टाइम्स दिए जाते हैं. तो 20 मिनट कुल मिला के 60 मिनट जो आपके हो गए 1 घंटे का पूरा टाइम स्लॉट. वहाँ पे आपको क्वेश्चन से उतने ही बनाने हैं जितने आपको सिर्फ प्री एग्ज़ाम्स क्लियर करवा सकता है. हमेशा एक चीज़ दिमाग में रखिए कि प्री में हम कभी भी ये सोच के तो नहीं जाते हैं कि 100 out of 100 हमको बनाना है. हमको यही बस चाहिए कि हमारा प्री एग्ज़ाम क्लियर हो जाए विथ मैक्सिमम एक्यूरेसी, मीन्स 100% एक्यूरेसी. ठीक है, सो इसके लिए वानिक आपके साथ है बिकॉज हमारे यहाँ पे अभी के लिए ट्रेनिंग और एग्जामिनेशन के लिए सेशंस दिए जा रहे हैं जहाँ पे आपको प्री क्लियर करवाने के लिए स्पेशल टॉपिक पे फोकस किया जा रहा है और उस हिसाब से आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जा रहा है कि विद इन फ्यू डेज आप जैसे आराम से प्री एग्ज़ाम क्रैक कर सके. तो मोर डिटेल्स के लिए आपको जो नीचे नंबर्स स्क्रॉल हो रहे हैं आप उस पर कॉन्टैक्ट करिए और फर्दर डिटेल्स पूछ सकते हैं. तो हम वापस अपने टॉपिक में आ जाते हैं. तो 2017 में जो 3500 का आपका वैकेंसी था उस हिसाब से आपका प्री एग्ज़ाम का जो ओवरऑल कट ऑफ था वो एक जनरल कैंडिडेट के लिए रखा गया था 42.75. मतलब अगर एक जनरल कैंडिडेट रखता है 42.75 मार्क्स आउट ऑफ 100 तो वो वहाँ पे मेंस एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई हो रहा है. तो हम आपको दोबारा से ही रिमाइंड करवा देते हैं उस टाइम पे वैकेंसी आपको दिया गया था 3562 का वैकेंसी जहाँ पे आपका प्री का कट ऑफ कितना था 42.75. तो नेक्स्ट हम फिगर पे आ जाते हैं 2018 का जो आपका वैकेंसी था और उस हिसाब का आपका कट ऑफ जो वैरी हो रहा था. तो 2018 का जो वैकेंसी दिया गया था ऑफिशियल साइट में वो आपका फिगर कुछ इस तरह से था 4252. मतलब आप बोल सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली 4200 का वो वैकेंसी चल रहा था. तो वहाँ पे आपका जो प्रीलिम्स एग्जाम क्लियर हुआ कवर हुआ तो उसके बाद वहाँ पे आपका जो प्रीलिम्स एग्जाम का कट ऑफ था वो सीधा चला गया 56.75 के पास. अब ध्यान रखिए पिछले साल का हम बोले थे जो आपका दिया गया था वैकेंसी वो आपका 3500 था. इस साल का जो उससे उसके बाद वाले साल का जो आपका वैकेंसी बन गया वो सीधा आ गया 4200 वैकेंसी में. तो कट ऑफ जो था वो आपका सीधा चला गया 56.75 में.
तो भाई वैकेंसी तो मैटर करती ही है, इससे आपको पता चल गया। तो अब आपको सोचना है कि इस साल का जो अब नोटिफिकेशन आउट हुआ है उसमें आपको वैकेंसी कितने दिए गए हैं। तो अब उसका फिगर हम बताते हैं, जो ऑफिशियल साइट से आउट हुआ है वो ये है 4,336। चलिए उसको अप्रॉक्सीमेटली हम लगाते हैं, दैट गिवन टू यू इज अप्रॉक्सीमेटली 4,300। ओके, सो वैकेंसी जो आपको है वो 4,300 का वैकेंसी है। जस्ट कंपेयर दिस वन विद द प्रीवियस वन, तो आपका प्रीवियस वन का भी 4,200 अप्रॉक्स का वैकेंसी था, इस साल का भी 4,300 का वैकेंसी है। तो कहीं कहीं वैकेंसी जो है वो नज़दीकी में चल रहे हैं, तो शायद आपका पिछला साल का जो कट ऑफ था उसी के हिसाब से आपका इस साल का भी प्री का कट ऑफ उसी के नज़दीकी ही या आसपास रह सकता है, उसके चांसेस है। अब डिपेंड करता है कि एप्लीकेंट पिछले साल के हिसाब से इस साल कितने गए हैं। तो अब आपको बस क्या करना है, पिछला साल का जो 56 का कट ऑफ था, बस दिमाग में ये रख के चलने हैं कि हमको रीजनिंग सेक्शन से, मैथ से और इंग्लिश के कुल मिला के ओवरऑल गुड अटेम्प्ट जो है वो कम से कम 65 से 70 विथ एक्यूरेसी रखना है। तो आपका प्री एग्जामिनेशन का आप स्ट्रैटेजी यही होना चाहिए कि आपको कुल मिला के जो सारे क्वेश्चंस हैं उसमें आपको सेशनल कट ऑफ भी क्लियर करने हैं और ओवरऑल कट ऑफ भी क्लियर करने हैं। तो अब हम आ जाते हैं कि आपके प्री एग्जामिनेशन जो पिछला साल गया था उसमें आपके सेशनल कट ऑफ कितने थे, ओवरऑल कट ऑफ कितने थे। तो अगर बात हम करते हैं इंग्लिश सेक्शन की, तो हम आपको पहले से बता चुके हैं आपको 20 मिनट का टाइमिंग मिलेगा और वहाँ पे आपको टोटल 30 क्वेश्चन इंग्लिश के मिलेंगे, और वहाँ पे आपका जो कट ऑफ क्लियर हुआ था जहाँ पे एक जनरल कैंडिडेट को रखने थे सिर्फ 8.75 मार्क्स, जहाँ से वो इंग्लिश को आराम से क्वालिफाई कर सकता है। नेक्स्ट आते हैं मैथ सेक्शन के पास, तो मैथ सेक्शन में आपका जो दिया गया था वहाँ पे आपके 35 क्वेश्चंस है और आपके पॉकेट में सिर्फ 20 मिनट का टाइम है। तो 35 क्वेश्चन और 20 मिनट के हिसाब से वहाँ पे कट ऑफ एक जनरल कैंडिडेट के लिए रखा गया था 7.75, जहाँ पे वो मैथ्स का सेक्शन आराम से क्लियर कर सकता है। उसके बाद आ जाते हैं रीजनिंग के सेक्शन में, अगेन द सेम थिंग कि वहाँ पे आपको जो दिए गए हैं वो टोटल 20 मिनट्स का टाइम स्लॉट है और वहाँ पे 35 क्वेश्चंस गिवन होते हैं, और वहाँ पे जो एक जनरल कैंडिडेट का कट ऑफ रखा गया था वो था आपका 9.00। तो मतलब सिर्फ 9 मार्क्स में ही एक बंदा जो है वो आपका रीजनिंग का सेशनल कट ऑफ क्लियर कर सकता है। तो उसके बाद बारी आती है ओवरऑल कट ऑफ की, तो ओवरऑल कट ऑफ हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं वो था आपका 56.75। तो इस कट ऑफ क्लियर करने से उसके बाद आपका जो है मेंस एग्ज़ाम के लिए आप क्वालिफाई होते हैं। तो इसी हिसाब से हम जो इसका आपका प्रीवियस ईयर का हम एनालिसिस किए, उस हिसाब से अब दिमाग में ये चल रहा है कि एटलीस्ट 65 से 70 क्वेश्चंस हमको आराम से विथ एक्यूरेसी बनाने हैं, जो 1 आवर में बनाने के लिए आराम से सफिशियंट हो जाएंगे। बस आपको जो चीज़ जानने की ज़रूरत है वो है कि ट्रिक्स और आपको वो शॉर्टकट मेथड्स चाहिए है जिस बेसिस पे आप क्या कर सकते हैं एक्यूरेसी के साथ हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन अटेंड कर सकते हैं और ख़ुद को मेंस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल बना सकते हैं। उसके लिए जो आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो ये है कि आपको हर सेक्शन में क्या क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होते हैं जो आपको सिर्फ और सिर्फ प्री एग्ज़ाम के लिए फोकस करने हैं। उसके बाद आपको ये जानना ज़रूरी है कि उसमें से जो क्वेश्चन आते हैं वो किस तरह के आते हैं, क्या क्या नया पैटर्न्स है जो यहाँ पे अभी ट्रेंड में चल रहे हैं आफ्टर स्पेशली दिस ईयर SBI PO एंड क्लर्क एग्जाम। बहुत सारे ऐसे पैटर्न्स हैं जो न्यूली इंट्रोड्यूस हुए हैं, उसके बाद उन पैटर्न्स पे अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है और उसके बेसिस पे आपको ये देखना है कि वो क्वेश्चंस अब हम इजीली कैसे विदाउट एनी मिस्टेक आराम से क्रैक कर सकते हैं और पॉजिटिव मार्किंग उसमें ले सकते हैं। तो ये सब के लिए आपके स्पेशल IBPS बैचेस आपको प्रोवाइड हो रहे हैं वानिक में। अब आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल जानने के लिए जो नीचे नंबर आ रहे हैं उस पर कॉन्टैक्ट करना है और जल्दी से अपना नाम एनरोल करना है, क्योंकि इस बार का IBPS का तो PO आपको ही क्रैक करना है। थैंक यू।